Starting in the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of durood salam on behalf of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Students, mathematics, student number 12.1.3, SSC 1, I mean to say 9th class. And the statement of the theorem is the right bisectors of the sides of a triangle are concurrent. Concurrent mean the lines, more than two lines that are passing through one point are called concurrent. बच्चों अगर दो से ज्यादा लाइंस, अगर दो लाइन एक पॉइंट में से पास हो रही होंगी तो उनको हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर टू लाइन से ज्यादा लाइंस जो है वो एक पॉइंट में से पास हो रही हो तो उसको हम कहेंगे कंकरेंट लाइंस। तो स्टेटमेंट ये है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, उसकी थ्री साइड ए बी बी सी और ए सी के जो राइट बाई सेक्टर है वो एक ही पॉइंट में से पास हो, ये हमारा थ्योरम की स्टेटमेंट है। तो गिवन इसमें हमें यह है मालूम, हमें इसमें यह है क्या ट्राइंगल ए बी सी, तो गिवन है बच्चों, गिवन को उर्दू में हम मालूम कहते हैं अ ट्राइंगल ए बी सी, ये हमें मालूम है। टू प्रूव है हमारा उर्दू में जिसको हम कहते हैं मतलूब, इंग्लिश में हम उसको कहते हैं टू प्रूव। टू प्रूव है कि द राइट बाई सेक्टर्स, द राइट बाई सेक्टर आर परपेंडिकुलर बाई सेक्टर्स ऑफ ए बी बी सी एन सी ए और कॉन्कुरेंट। कॉन्कुरेंट मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये तीनों पॉइंट एक, ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो एक ही पॉइंट में से पास हूं उसको हम कहते हैं, उन लाइन्स को हम कहते हैं कॉन्कुरेंट लाइन्स, और जिस पॉइंट में से वो तीनों लाइन्स पास हूं उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्कुरेंसी। नेक्स्ट स्टेप है बच्चों इसका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम टू साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे जो एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो उसी पॉइंट को हम प्रूफ कर देंगे कि वो तीसरी लाइन का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट है। इस थ्योरम में बच्चों जो हमने थ्योरम नंबर 12.1.1 और 12.1.2 पढ़े हैं पीछे दोनों, वो दोनों थ्योरम इसमें अप्लाई होंगे तो ये थ्योरम साबित हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन में हमने ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया और इसी तरह बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया, तो ये दोनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बच्चों वो पॉइंट ओ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसी पॉइंट ओ को हमने कंस्ट्रक्शन में ही जॉइन कर देना बच्चों बी से, इसी को जॉइन कर देना हमने सी से और इसी को जॉइन कर देना हमने ए से। दोबारा सुनिए, हमने कंस्ट्रक्शन क्या की, हमने ट्राइंगल ए बी सी की टू साइड ए बी और बी सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किए, इनको हम नेम भी दे सकते हैं, यानी कि ये जी एच परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एल एम ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का, ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट ओ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। प्रूव हम ये कर देंगे कि ये जो पॉइंट ओ है ये ए सी के भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट है। तो अगर आप थ्योरम नंबर 12.1.1 अप्लाई करेंगे तो वो इन दो लाइनों पर अप्लाई होगा और 12.1.2 जो है वो इस लाइन पर अप्लाई होगा, तो ये जो पॉइंट ओ है ये कॉन्कुरेंट पॉइंट ऑफ कॉन्कुरेंसी होगा तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। तो कंस्ट्रक्शन हमने ये की कि ड्रा एल एम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड जी एच परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, बोथ आर इंटरसेक्टिंग एट ओ, जॉइन ओ ए ओ बी एंड ओ सी। बच्चों ये हमारी कंस्ट्रक्शन है कि हमने ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया जो पॉइंट ओ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसी पॉइंट ओ को हमने ए बी और सी से जॉइन किया, ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी। अब हम इसका प्रूफ करेंगे इसको,
और उसके टू पार्ट्स होते हैं, एक में हम लिखते हैं स्टेटमेंट और दूसरी में रीजन, और हम इसको हम प्रूफ कर देंगे। स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो पॉइंट ओ जो है वो जी एम जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का, इसका पॉइंट है, तो ओ ए और ओ बी ये दोनों इक्वल है, तो हम लिखेंगे ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी। रीजन आप इसकी ये लिख सकते हैं कि थ्योरम नंबर 12.1.1, बट वो लिखने के बजाय बेहतर ये है कि आप ये लिखें कि ओ इज द पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, कि वो जो पॉइंट है वो ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट है, देयरफॉर ओ ए एंड ओ बी आर कॉन्ग्रुएंट। फिर बच्चों आप देखें तो ओ बी और ओ सी भी कॉन्ग्रुएंट है, ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी, और अब इसकी रीजन ये है कि ओ इज द पॉइंट ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, तो इसकी रीजन आप लिखेंगे ओ इज द पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, यानी कि थ्योरम नंबर 12.1.1 ये हमने उसकी अकॉर्डिंग इसको किया। अब बच्चों अगर आप गौर करें तो ओ बी जो है वो इक्वल है ओ ए के, और ओ बी जो है वो इक्वल है ओ सी के, तो ओ सी और ओ ए एक ही लाइन के कॉन्ग्रुएंट है, तो ओ सी और ओ ए भी इक्वल होंगे। तो नीचे हम लिखेंगे बच्चों इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें कि ओ ए इक्वल है ओ बी के और ओ बी इक्वल है ओ सी के, तो फिर बेटा ओ ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ओ सी के, और इसकी रीजन आप लिख दें फ्रॉम 1 एंड 2, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 की रूप से कि ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी एंड ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी, सो ओ ए एंड ओ सी विल बी कॉन्ग्रुएंट। अब बच्चों जो थ्योरम नंबर 12.1.2 था उसमें अगर कोई पॉइंट किसी लाइन के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंट हो, यानी कि कोई पॉइंट किसी लाइन के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंट हो, तो वो पॉइंट उस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट है, तो आपने आप लिखेंगे सो ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। सो बच्चों ओ इज द पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी, रीजन आप इसकी ये लिख सकते हैं कि एनी पॉइंट दैट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इज द पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये बच्चों आपने पिछले थ्योरम में पढ़ा था। तो अगर बच्चों पॉइंट ओ जो है वो ए सी के भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट है, तो टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो हम ऑलरेडी ड्रा कर चुके हैं, तो मींस कि पॉइंट ओ जो है वो कंकरेंट पॉइंट है राइट ऑल द राइट बाइसेक्टर, तो इसके नीचे आपने लिखना है सो ओ इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ ऑल द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल। अब लिखिए बच्चों ओ इज द कॉन्करेंट पॉइंट, ओ इज द कॉन्करेंट पॉइंट ऑफ द 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of the sides of the triangle, और यही बच्चों हमने प्रूफ करना था। सो इट्स enough फॉर टूडे, मे अल्लाह Almighty ब्लेस यू ऑल द टाइम एंड हैव अ गुड डे।